हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हो। मजे उठाओ, मैं भी कर रहा हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स। अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक में जितने सारे सिंथेसिस होते हैं तो वो सारे सिंथेसिस वाया मीडिया हेलोल्केन्स के थ्रू होता है। आपको कुछ भी बनाना है तो आप कोशिश ये करते हो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कुछ ऐसा किया जाए कि उसको हेलोल्केन्स में या हेलोएरिन्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि हेलोल्केन्स से फर्दर और कोई कंपाउंड बनाना इजी हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कन्वर्सन करने में भी, कि किसी को किसी से कन्वर्ट करना है। हमें समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, तो हमें कुछ लिमिटेड रिएक्शंस पता है, उस लिमिटेड रिएक्शंस से ही कोई यूज करके हम करेंगे। तो आपको जो जिसको भी जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसको अल्काइल लाइड में क्या कर सकते हो, अल्काइल लाइड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप अल्काइल लाइड में कन्वर्ट कर रहे हो तो फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन भी आप कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो आज हम लोग उसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स, जिसको हम अल्काइल लाइड और एराइल लाइड के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स, इस दोनों ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं ऐसे बेसिकली। हेलो अल्केन्स को हम लोग पहले बनेंगे और उसके बाद हेलो एरिन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? दोनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, मिक्स करके नहीं पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले हेलो अल्केन्स के बारे में बात करें। हेलो अल्केन्स, हालांकि सेम इसी चैप्टर में दोनों चैप्टर मिला हुआ है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जहां पर अल्काइल पार्ट है और एराइल पार्ट है, ठीक है? तो हम इस वीडियो में हेलो अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। हेलो अल्केन्स के सारे रिएक्शन पढ़ लेने के बाद उसके बाद हम लोग हेलो एरिन्स की बात करेंगे। तो चलो चलते हैं हेलो अल्केन्स की तरफ। हेलो अल्केन्स मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मान लो CnH2n+2, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर आप हेलोजन लगा देते हो X, तो ये फॉर्मूला बनता है सैचुरेटेड हेलो अल्केन्स का, ठीक है? सैचुरेटेड हेलो अल्केन्स का। जैसे मान लो सिंपलेस्ट हेलो अल्केन्स कौन सा होगा, CH3X। एक्स की जगह पे आप फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, ठीक है, CH3X। अब अगर देखें ये कहां से आया, CH4 था, उसका एक हाइड्रोजन हमने क्या किया, रिमूव कर दिया और उसके जगह पे X लगा दिया, तो बन क्या गया, CH3X। तो ऑब्वियसली इसके फॉर्मूले थे CnH2n+2, ये क्या हो गया, CnH2n+1X। ओके, सिमिलरली सपोज हमारे पास CH3 था, उसका एक हाइड्रोजन हटाया और एक्स लगा दिया, ये भी हो गया हेलो अल्केन्स। तीन कार्बन ले लें, CH3 CH2 CH2, एक हाइड्रोजन के बदले हमने एक्स लिख दिया, ये भी हो गया हेलो अल्केन्स। तो ये क्या है, हेलो अल्केन्स हम बोल रहे हैं। तो हेलो मीथेन, हेलो इथेन एंड हेलो प्रोपेन, नोमेनक्लेचर में आप देख चुके हो कि हैलोजन पार्ट कहां पर आता है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में हम लिखते हैं हमेशा, वो कभी भी सफिक्स नहीं लिखा रहता, उसका हमेशा प्रीफिक्स लिखा रहता है। तो अगर मान लो क्लोरीन लगा है तो बोलेंगे क्लोरोमीथेन, इसका नाम बोलेंगे क्लोरोमीथेन, ये क्लोरोइथेन, ये क्लोरोप्रोपेन, कभी भी मीथेन क्लोराइड नहीं बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है। लेकिन अगर हम IUPAC नेम लिख रहे हैं तो उसमें हेलो अल्केन्स बोलेंगे, मतलब क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन लाइक दैट। अगर एक से ज्यादा लगा हो तो डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे मान लो अगर हमारे पास CH2 और दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया क्लोरीन से, तो दो क्लोरीन लग गया, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। अगर इससे हमने तीन हाइड्रोजन रिप्लेस किया, ठीक है, तीन हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, इसका नाम बोलेंगे
1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। और अगर हम चारों हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, मीथेन के चारों हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दें तो 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन। कॉमन नेम बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, कॉमनली नोन एज क्लोरोफॉर्म, इसी को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। एक कार्बन से दो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट हो जाना किसी दो फंक्शनल ग्रुप से, एक ही से नहीं दोनों से, तो इसको हम बोलेंगे अल्काइलीन डाइहैलाइड। सो मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन इन तो बोल रहे हैं लेकिन वहां पे डबल बॉन्डिंग है, तो इसलिए इसको बोलेंगे मिथिलीन डाइक्लोराइड, ठीक है, ओके। अब देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, हेलो अगेन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हेलोल्केन्स, बेसिकली कोई भी चैप्टर हो, हेलोल्केन्स हो, हेलोएरिन्स हो, एल्कोहल हो, फेनॉल हो, इथर हो, ऑर्गेनिक पे बेसिकली पूरे चैप्टर को दो पार्ट में, अलग अलग पार्ट में पढ़ा जाता है, एक होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और दूसरी होती है उसकी रिएक्शंस। सो किसी भी चैप्टर को हम हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और दूसरा उसका रिएक्शंस। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स। एंड जब भी हम प्रिपेयर करते हैं हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें सोचना है कि एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से प्रिपेयर करना है। अब क्या क्या चैप्टर हैं, चैप्टर के नाम याद रखो, जैसे हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड जिसको हेलोल्केन्स बोलते हैं, देन अल्कोहल और फेनॉल और ईथर, देन एल्डिहाइड कीटोन्स, देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन अमाइन्स। हमें हेलोल्केन्स बनाना है तो हमें सिस्टमेटिकली जैसे दिया होता है ट्रेडिशनली कि हमें ये चार पांच रिएक्शंस पढ़ लिया और उसको याद रखना है, ऐसा नहीं करेंगे, हमें देखना है कि हेलोल्केन्स बनाना है, कहां से बनाना है, अल्केन से बना सकते हैं, अल्कीन से बना सकते हैं, अल्काइन से बना सकते हैं, अल्कोहल से बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, अमाइन से बना सकते हैं। तो एक चैप्टर को बाकी अदर चैप्टर से हम प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऐसे याद रखते हैं हमें सारा चैप्टर इंटरलिंक्ड होता है लगता है और हम इंटरलिंकिंग कर सकते हैं तो हमारे को ऑर्गेनिक इजी हो जाता है। और यूजुअली जब कन्वर्सन आपको पूछा जाएगा आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में तो वहां भी ये चीज आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। सो हमें फर्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जानना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा रिएक्शन लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फ्रॉम कहां से कराना चाहिए, अल्केन से कराना चाहिए तो फ्रॉम अल्केन कर देंगे। अब इसके अलावा कुछ यूजुअल कुछ तरीके होते हैं, कुछ नेम रिएक्शंस होते हैं, उसको हम अलग से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक कॉमन मिनिमम उस चैप्टर पे हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसमें हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। फिर सिमिलरली जब अल्कोहल आएगा तो अल्कोहल का प्रिपरेशन बाकी अदर चैप्टर से करेंगे, ठीक है, समझ लो। तो फर्स्ट फ्रॉम अल्केन, अल्केन से हम करेंगे, कैसे करेंगे देख, हमारे पास अल्केन है CH4 और इसमें हमने X2 कराना X, क्योंकि X हमारा क्या है, हैलोजन, हैलोजन कभी मोनोएटॉमिक तो नहीं होता, डायटॉमिक होता है, इसलिए हमने X2 लिखा है। करना क्या है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है X से, बनाना है CH3X और एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है HX बनाना है, ठीक है। तो ये अगर बन जाए ये हमारा क्या हो गया, हेलोल्केन्स, ठीक है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि पांच मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो और पांच रिएक्शंस लिखो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आपको सब्सट्रेट दिया होगा, रिएजेंट दिया होगा, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना होगा। तो हमें CH3X बनाना था, हमने ये यूज करा, मान लो हमें CH3 इथेन दिया है, X2 लिया है और हमें चाहिए CH3 CH2X + HX ये बनाने के लिए। फिर हम चाहते हैं एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना, ये कर सकते हैं, दो हाइड्रोजन करना कर सकते हैं, तीन हाइड्रोजन करना कर सकते हैं, चार हाइड्रोजन करना कर सकते हैं,
पांचवा हाइड्रोजन तो है ही। यहां पर भी हम इस कार्बन के तीन और इस कार्बन के तीन हाइड्रोजन मैक्सिमम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। तो अगर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया है तो CH3CH2X, दो कर दें और इसी कार्बन पे हो जाए तो CH3CHX2, तीनों कर दें CH3CX3, फिर ये कर दें CH2XCX3, लाइक दैट ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा, ये रिएक्शन करना है। तो अगर अल्केन में X2 रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और HNU और कोई भी ऐसा कंडीशन जो रिएक्शन के लिए फेवरेबल हो, उस केस में हमें चाहिए कि हमें सिर्फ ये बनाना है, हमें ओवर हेलोजिनेशन नहीं कराना है। तो जब ओवर हेलोजिनेशन नहीं कराना है तो आपको ये जो X2 है ये कम होना चाहिए, ये लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। तो ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो आपको एक्सेस में क्या लेना पड़ेगा, अल्केन। तो आपने एक्सेस में क्या लिया, अल्केन, और X2 को क्या लिया, लिमिटिंग रिएजेंट, LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर हमने इसको लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पे यूज करा तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, CH3X। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट ना हो करके एक्सेस में हो तो हमारे पास क्लोरीन सफिशियंट अमाउंट में है रिएक्शन मिक्सचर में, तो रिएक्शन ओवर हेलोजिनेटेड होता रहेगा, तब तक सब्स्टिट्यूट करता रहेगा जब तक ये सब्स्टिट्यूट होने वाले हाइड्रोजन है लगे हुए हैं अल्काइल पार्ट में। तो ये ध्यान रखना है, अगर हमें मोनो हेलोजिनेशन करना है, मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनानी है, तो हमें X2 को लिमिटिंग रिएजेंट लेना होगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शंस देखें कैसे होती है। तो रिएक्शंस जो हेलोजेंस बनाने के लिए होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में प्रोसीड होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होती है। अब आपको क्वेश्चन होगा फ्री रेडिकल क्या होता है, तो फ्री रेडिकल के बारे में हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि फ्री रेडिकल क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है। कोई भी स्पीसीज जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, उस पर्टिकुलर स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। अगर वो कार्बन है तो कार्बन फ्री रेडिकल, अगर हेलोजन है तो हेलोजन फ्री रेडिकल। जैसे देखो, अगर क्लोरीन और क्लोरीन लिया हमने और इसके अभी इसमें ऑक्टेट पूरा है और इस बॉन्ड को तोड़ दें, कैसे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इस बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, तो हमारे पास बनेगा क्या, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन वाला, इस क्लोरीन में बाकी इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है लेकिन एक अनपेयर्ड है। तो कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे उसको, फ्री रेडिकल्स, दे विल बिकम फ्री रेडिकल लाइक दिस। सिमिलरली अगर हमारे पास CH3 और CH3 है, CH3 में अब ये मान लो कि अगर हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ दें, होमोलिटिकली मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बोथ द बॉन्डेड एटम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स टू बोथ द बॉन्डेड एटम, इसके दो इलेक्ट्रॉन को हमने, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, तो बनने वाला स्पीसीज क्या हुआ, CH3CH2 रेडिकल प्लस H रेडिकल। तो इस रेडिकल को हम बोलेंगे इथाइल रेडिकल और इसको बोलेंगे हाइड्रोजन रेडिकल, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, ठीक है। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है वो देखेंगे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन होने के लिए कंडीशंस क्या है वो ध्यान रखें, कहां कैसे होता है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में। तो लिखेंगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और HNU और पेरोक्साइड और इन ड्राई सॉल्वेंट इन प्रेजेंस ऑफ रेडिकल, कोई अगर पहले से रेडिकल हो तो रेडिकल मैकेनिज्म, इन प्रेजेंस ऑफ रेडिकल एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही हो,
तो ये सारे कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, ये सारे कंडीशंस फ्री रेडिकल वाले कंडीशंस हैं। जहां भी रिएक्शन में इस तरह से लिखे हूं कि लाइट दिया हो, एचनी दिया हो, यूवी दिया हो, पेरोक्साइड दिया हो, ड्राई सॉल्वेंट, ड्राई ईथर लिखा हो, या कोई ऑलरेडी पहले से रेडिकल हो, या बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई जा रही हो, तो रिएक्शन में बनने वाला क्या होगा, रिएक्शन किस तरह से होंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होंगे। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए ये कंडीशंस होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन चेन मैकेनिज्म वेयर फॉलोइंग थ्री स्टेप्स आर यूज्ड where following three steps are used. First is chain initiation. Second is chain propagation. And third is chain termination. चेन इनिशिएशन में क्या होगा, एक्टिव रेडिकल्स आर जनरेटेड, इन चेन इनिशिएशन एक्टिव रेडिकल्स आर जनरेटेड। चेन प्रोपगेशन में active radical collides with substrate and forms another radical and propagate the reaction. That is chain propagation. Chain termination में क्या होगा, ना propagation बंद हो चुकी है, further no formation of radical, तो chain propagation बंद हो गई, तो chain termination में क्या होगा, consumption of free radical and termination of reaction. कंजम्पशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड टर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन, ये कहां हो रहा है, चेन टर्मिनेशन में रिएक्शन हो रही है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात कर चुके थे फर्स्ट ईयर में, फिर से एक बार हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं, सपोज हमारे पास CH4 प्लस Cl2 है, हमने HNO लिया, क्या किया, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 प्लस डॉट 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 प्लस HCl, मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। अगर हमें इसमें क्या हो रहा है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मतलब रिएक्शन क्या है, ओवर हैलोजिनेशन। अगर ओवर हैलोजिनेशन है तो ये क्लियर है कि Cl2 लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है ये एक्सेस में, और CH4 लिमिटिंग रिएजेंट है। अब रिएक्शंस को हम तीन अलग अलग पार्ट में देखेंगे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ, स्टेप नंबर वन, Cl2 HNO, ये वाली बॉन्ड होमोलिटिकली टूट गई, दो क्लोरिन रेडिकल बन गए। अब ये क्लोरिन रेडिकल एक्टिव रेडिकल। सेकेंड स्टेप नंबर टू क्या होगा, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्लोरीन रेडिकल कोलाइड करेगा, तो कोलाइड किया ये वाला बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन रेडिकल क्लोरीन रेडिकल मिलकर के HCl बचा, वो लेफ्ट आउट इज CH3 रेडिकल। देखो एक रेडिकल इस सब्सट्रेट से कोलाइड करता है और एक नया रेडिकल बनाता है,
तो ये वाली स्टेप कौन सी है, चेन प्रोपेगेशन वाली स्टेप। फर्दर CH3 रेडिकल कोलाइड करेगा किससे, Cl2 से, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल, Cl2 एक्सेस में है तो Cl2 बनता रहेगा, बना भी है, एक्सेस में बचा भी है। तो ये रेडिकल इससे कोलाइड किया और यहाँ पे Cl रेडिकल इसके साथ जुड़ गया, क्या बन गया, CH3Cl प्लस क्लोरीन रेडिकल। अब फर्दर रिएक्शन में क्लोरीन रेडिकल सफिशियंटली अवेलेबल है, तो जब क्लोरीन रेडिकल सफिशियंटली अवेलेबल है तो फर्दर वो सब्स्टिट्यूट करेगा, अगर नहीं है तो यहीं पे रिएक्शन खत्म हो जाएगा। मान लो कि अब अगर हम लोग यहाँ पे CH4Cl2 को करेक्ट एक्सेस में लिया, हेलो हाँ जी, हाँ बोलिए, हाँ जी आप सुबह प्लीज आप मेरे को 3 बजे कॉल कीजिए, आप इतना अर्ली इन द मॉर्निंग कॉल करते हैं, मैं सोया रहता हूँ, लिफ्ट नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना, आप मुझे 3 बजे कॉल कीजिए, 3 o'clock कल, ठीक है। तो CH3 रेडिकल क्लोरीन रेडिकल से कोलाइड किया और इस तरह से, अगर मान लो क्लोरीन हमने एक्सेस में लिया है तो आगे चलेगा, अगर क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट में होता और CH4 एक्सेस में होता, तो अगर CH4 एक्सेस में होता तो CH3 रेडिकल एक्सेस में होता, क्लोरीन रेडिकल लिमिटेड होता, तो ये वाला बनके प्रोडक्ट, ये वाला रिएक्शन होकर के रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब हमें क्या बन रहा है, मोनोहैलोजनेटेड CH3Cl ही मिलेगा और HCl के साथ, ये तब मिलेगा जब X2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो क्लोरीन कंज्यूम हो गया, क्लोरीन कंज्यूम हुआ तो यहाँ पे क्लोरीन कंज्यूम हो गए सारे और बना क्या, CH3Cl, ठीक है, तो क्लोरीन फर्दर मिलेगा नहीं, तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में है, तो क्लोरीन जब एक्सेस में है तो ये रेडिकल तो रहेगा, तो अब ये CH3HCl क्लोरीन रेडिकल से फर्दर कोलाइड करेगा और ये हाइड्रोजन ले जाएगा, यहां क्या होगा, HCl प्लस CH2Cl और ये रेडिकल। अब ये रेडिकल फर्दर इससे कोलाइड किया और नया रेडिकल बनाया, इस केस में ये रेडिकल अगर है भी तो कोलाइड किससे करता, CH4 से, क्योंकि ये रेडिकल किससे कोलाइड करता, CH4 से, बनता क्या, CH3 रेडिकल। फिर वो सारे क्लोरीन इस तरह से ये रिएक्शन इसी 2 स्टेप में चलते रहते और अल्टीमेटली आपको बनता क्या, सिर्फ CH3Cl, यहां बन क्या रहे, नया रेडिकल बनना, तो नया रेडिकल CH2Cl, ये रेडिकल फर्दर Cl2 से कोलाइड किया, ये क्या हुआ, CH2Cl Cl प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, फिर CH2Cl प्लस क्लोरीन रेडिकल, ये क्या है, क्लोरीन रेडिकल। अब ये क्लोरीन रेडिकल इससे कोलाइड करेगा, तो ये जब इससे कोलाइड करेगा फर्दर यहां पर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बनेगा क्या, CHClCl ये रेडिकल प्लस HCl, फिर एक नया रेडिकल जनरेट हुआ यहां पर, ये वाली एक प्रोडक्ट, ये वाली दूसरी प्रोडक्ट। अब फर्दर एक नया रेडिकल जनरेट हो गया, तो नया रेडिकल ये CHClCl कोलाइड करेगा किससे, क्लोरीन से, यहां पर फर्दर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन बिकमिंग CHClCl एंड Cl प्लस क्लोरीन रेडिकल। अब ये क्लोरीन रेडिकल फर्दर कोलाइड करना, हाइड्रोजन क्लोरीन 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 प्लस क्लोरीन रेडिकल, फिर यहां पे इसे कोलाइड करेगा, क्या होगा, CCl3 रेडिकल प्लस HCl। अब फिर से एक नया रेडिकल बना, नया रेडिकल CCl3 फर्दर क्लोरीन से कंबाइन करेगा, ये टूटेगा और बनेगा CCl4 प्लस क्लोरीन रेडिकल। अब फर्दर इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, अगर ये इससे कोलाइड करे फिर से Cl2 और CCl3 रेडिकल, तो CCl3 रेडिकल प्लस Cl2 गिव CCl4, तो CCl4 हमारा प्रोडक्ट, CCl4 हमारा प्रोडक्ट है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट,
बाकी ये रेडिकल जो नया रेडिकल बना, ये नया रेडिकल बना, ये नया रेडिकल बना, अगर उस रेडिकल को हम लोग इस तरह से दिखा दें, ये एक नया रेडिकल, ये एक नया रेडिकल, ये एक नया रेडिकल और ये एक रेडिकल, ओके। तो फर्दर प्रोपगेशन तो हो नहीं रही है स्टेप में, अब यहां पे प्रोपगेशन बंद हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड होगा यहां पर स्टेप नंबर 3। और ये स्टेप कौन सा है? चेन टर्मिनेशन का। तो चेन टर्मिनेशन में क्या होगा? क्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल से कंबाइन किया बना Cl2, ये एक पॉसिबिलिटी। CH3 रेडिकल यहां बचा है, और ऐसा हो सकता है कि CH3 रेडिकल से कोलाइड करे तो ये इथेन। क्या हम गारंटी दे सकते हैं? क्या आप गारंटी दे सकते हो कि ये किसी और से कोलाइड नहीं किया हो या खत्म कंज्यूम हो गया हो? ऐसा नहीं, ये खुद से कोलाइड कर सकता है, ये इस रिएजेंट से कोलाइड कर सकता है। आप गारंटी दे सकते हैं इसे कोलाइड नहीं करेगा? नहीं दे सकते। ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा, इससे कोलाइड करेगा, और इस तरह से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। तो CH3 रेडिकल को अगर मैं CH2Cl रेडिकल के साथ कोलाइड करा दूं, तो यहां पे इन दोनों में कपलिंग होने से CH3CH2Cl बन जाए। तो ये और एक नया प्रोडक्ट लो, ये एक तो प्रोडक्ट नया हुआ और ये भी एक नया प्रोडक्ट। ये और करेगा, अगर मान लो इसको CHCl2 रेडिकल से कोलाइड करा दूं, तो और एक नया प्रोडक्ट CHCl2 लो, कर लो बात। तो अलोंग विद दैट हमने यहां पे जो लिखा है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 प्लस डॉट 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 की जगह पे ये सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसलिए अगर हम क्लोरीन एक्सेस में ले जाएं, तो रिएक्शन में इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, किसी एक को मेजर और माइनर बोलना ये बेमानी है, बिकॉज देयर यील्ड इज वेरी लेस। अगर मैं बोलूं कि CH3Cl मेजर है, तो ये तो नाइंसाफी है रिएक्शन के साथ, क्योंकि इस अगर ये 10% है तो क्या मेजर और क्या माइनर, ठीक है? ये 10%, ये 9.8%, ये 11% और 9.6%, तो क्या मेजर क्या माइनर, उस रिएक्शन का मतलब क्या? तो ये मिक्सचर ऑफ हेलो अल्केन्स, मिक्सचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, और इसलिए रिएक्शन इज नॉन रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शन। सो रिएक्शन इज नॉन रेजियो स्पेसिफिक एज वेल एज नॉन रेजियो सिलेक्टिव। सो रिएक्शन इज नॉन रेजियो स्पेसिफिक और नॉन रेजियो सिलेक्टिव। नॉन रेजियो स्पेसिफिक, रेजियो सिलेक्टिव क्या? कि देयर इज नो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन क्वांटिटेटिवली, ठीक है? देयर इज देयर आर नो मीन सम प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एज सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई देम एज मेजर और माइनर, ऐसा भी नहीं हो रहा है। एक लिमिटेड अमाउंट में चलो ठीक है, एक नहीं बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, उसमें एक मेजर, तो चलो समझ सकते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने और वहां पर हम किसी एक को सेलेक्ट कर पाए कि दिस इज मेजर और दिस इज माइनर, दैट इज रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ना बने, या अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बने, भाई साहब यही बनेगा, दूसरे की पॉसिबिलिटी वेरी लेस, नेग्लिजिबल। सो रिएक्शन इज रेजियो स्पेसिफिक। और किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की क्वांटिटी अगर हम खोज रहे हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं, उस पर्टिकुलर फेनोमेनन प्रोसेस को बोलते हैं रेजियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। सो रेजियो स्टैंड्स फॉर द क्वांटिटी ऑफ रिएक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज द रिएक्शन। अंडरस्टूड? ओके, दैट इज नॉन रेजियो स्पेसिफिक एंड नॉन रेजियो सिलेक्टिव। इस तरह से रिएक्शन होते हैं। कॉपी कर लो प्लीज।
ओके ओके नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लिख रहे थे और उसी में था थर्ड पॉइंट था ये रिएक्शन चेन में होता है. नेक्स्ट उस पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में. रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन इज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन. फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन. ठीक है तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत कम बहुत ज्यादा देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन. अगर रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो क्लियर है उनके बीच में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम हो. यहां पर अगर मैं फ्लोरीन को रख दूं यहां क्लोरीन है और यहां ब्रोमीन है और यहां पे आयोडीन है तो एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन ग्राफ में अगर देखें तो ये जो फ्लोरीन की एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी जो पीक है ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड वाई एक्सिस पे अगर ले लें तो गिव्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. तो फ्लोरीन की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी बैरियर बहुत कम है तो अगर किसी की एनर्जी बैरियर बहुत कम हो तो रिएक्शन में रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो. तो अगर हम देखें फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन. ब्रोमीन को हम लिखेंगे Br2. ठीक है और अगर रिएक्टिविटी ज्यादा हो तो सेलेक्टिविटी कम होती है. सो सेलेक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन उल्टा सेलेक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन इज उल्टा दैट इज आयोडीन इज मोर सेलेक्टिव देन ब्रोमीन देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन. आयोडीन इज मोर सेलेक्टिव देन ब्रोमीन देन क्लोरीन देन फ्लोरीन. रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट से मान लो कि अगर किसी दिन कैंटीन में खाना अच्छा नहीं हुआ खाना अच्छा नहीं बना आपके चॉइस का नहीं बना और आपको भूख बहुत तेज लग रही है बहुत तेज भूख लग रही है तो आपकी चॉइस से खाना नहीं होते हुए भी आप खाओगे ही खाओगे. ठीक है ना क्योंकि आपकी भूख बहुत तेज है तो जो भी होगा सामने आप खाओगे चाहे वो आपको अच्छा लगे ना लगे. तो दैट इज आपकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है जो सामने आया उससे रिएक्शन कर लिया वो खा लिया. अगर दूसरा केस सोचो कि आपने खाना खा के जस्ट उठा और आपको पता चला कि कुछ स्पेशल डिश होना है जो आपके चॉइस की है आपके पेट भर चुके हैं है ना आपको खाने की इच्छा नहीं है फिर भी आप वो डिशेस देख करके जो आपके चॉइस की है आपका फेवरेट डिश है मान लो बिरयानी बनाए. ठीक है तो सब कुछ खाते हुए भी थोड़ा जाकर बिरयानी खा लेंगे लेकिन अगर बिरयानी की जगह और भी कुछ स्टॉप रखे हैं जो आपके चॉइस की नहीं है आपको खाने की इच्छा नहीं है तो आप ऑब्वियसली वो नहीं खाओगे आप वही चीज खाओगे जो आपको ज्यादा पसंद है. तो सेम यहां पर मतलब जब आपने खा लिया आपकी भूख कम है तो आपकी सेलेक्टिविटी ज्यादा है आपने चॉइस की चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हो तो सेलेक्टिविटी ज्यादा होगी. सर यहां पर हम देखेंगे रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी का मतलब अगर किसी अल्काइल पार्ट में कोई अल्काइल पार्ट है तो हमें ये नहीं देखना है कि कौन स्टेबल होगा कौन अनस्टेबल होगा क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है जो पहले आया जो एक्सपोज्ड है जो उसके सामने आया उससे रिएक्शन करो तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी. लेकिन अगर सेलेक्टिविटी के लिए हम देखें कि हमारे उस अल्काइल पार्ट में कौन ऐसा है जो स्टेबल है रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा टाइम तक वो रहेगा तो वहां पर उसके साथ अगर कोलाइड करे तो मोर सेलेक्टिव कोलिजन होंगे और जब मोर सेलेक्टिव कोलिजन होंगे तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वहां से वो मेजर होगा. ठीक है तो इसलिए रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी का ऑर्डर एक दूसरे के उल्टा. कॉपी कर हो गया. ठीक है देखो
अगर मान लो एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सबस्ट्रेट कुछ ऐसा, इसमें ये वाली कार्बन 1 डिग्री, ये वाली कार्बन 3 डिग्री, ये वाली कार्बन 1 डिग्री और ये वाली कार्बन 1 डिग्री, ठीक है। अगर ये कोई रेडिकल बनाए ये वाला, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि यहां रेडिकल यहां बने, अब यहां बने और यहां बने, तीनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट मिथाइल ग्रुप, इसलिए कोई भी रेडिकल बनेगा। हमें क्या करना है, हम यहां पर कर क्या रहे हैं, मोनो हैलोजिनेशन करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मोनो हैलोजिनेशन। और आपको बताया अभी मोनो हैलोजिनेशन कराना है, आप क्या करोगे, हैलोजन को लिमिटिंग रीजन चलेंगे। तो आपको या तो ये और ये रेडिकल बनेगा। अब इन दोनों रेडिकल में रिएक्शन मिक्सचर में जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा टाइम तक रहेगा। सो ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 1 डिग्री से, और इसलिए रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा टाइम तक 3 डिग्री वाले अल्काइल रेडिकल रहेंगे, ठीक है। और ये बहुत सारा रहेगा तीनों पार्ट में, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अगर इस सब्स्ट्रेट को हमने क्लोरीन से रिएक्शन करा दें, तो क्लोरीन से रिएक्शन कराने में यहां पर क्लोरीन लग सकता है या फिर क्लोरीन यहां पर लग सकता है। ये 1 डिग्री अल्काइल लाइन, ये 3 डिग्री अल्काइल लाइन। अगर मैं इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करा दूं, तो सेम 1 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड एंड 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड, 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखेंगे क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा है मतलब सेलेक्टिविटी कम होगा, तो ऑब्वियसली क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने से चाहे ये रेडिकल हो ये रेडिकल हो फर्क नहीं पड़ता, तो जो भी रेडिकल बनेगा, जो भी रेडिकल सामने आएगा कोलाइड करेगा इससे भी, तो ऑब्वियसली इस केस में ये वाली प्रोडक्ट और ये वाली प्रोडक्ट देखें तो इस प्रोडक्ट की कंटेंट कम होगी इसकी कंपैरिजन। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन मोर सेलेक्टिव है, इसको चाहिए इस प्राइमरी से रिएक्शन करना नहीं चाहेगा बिकॉज इसके ये बराबर का नहीं है। आपकी फाइटिंग अगर क्लास 2 के बच्चे से हो जाए तो ठीक नहीं है, आपको फाइटिंग ही करना है तो आप अपने से ऊपर वाले बच्चों से फाइट करो, अपने स्ट्रेंथ के बच्चों के लेवल को देख के फाइट करो, तो लगेगा कि फाइटिंग में कुछ जान है, ठीक है ना। आप बच्चों से क्लास 2 के बच्चों से फाइटिंग कर रहे हो तो लगेगा कि यू आर टॉर्चरिंग देम, राइट। सिंपली ब्रोमीन मोर सेलेक्टिव है, इसको चाहिए मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, तो इन दोनों में स्टेबल इंटरमीडिएट ये, तो ऑब्वियसली यहां से प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेजर, इसकी क्वांटिटी बहुत हाई हो जाएगी तो ये मेजर क्वांटिटी होगा। यहां भी इसमें इसमें और इसमें अगर देखें तो हम बताएंगे आपको कितना परसेंटेज बनेगा, कैसे निकालेंगे। तो ये जो कंटेंट है ये ऑलमोस्ट यूनिडायरेक्शनल यूनिनॉर्मसली ये प्रोडक्ट 3 डिग्री बनता जाएगा, तो यहां पे इसकी प्रोडक्ट की कंटेंट बहुत ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कैसे, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, कॉपी कर नेक्स्ट पॉइंट में देखें। तो अब इस केस में क्या होगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल ग्रुप टुवर्ड्स क्लोरीनेशन इज 1 degree is to 2 degree is to 3 degree is equals to 1 is to 3.8 is to 5। मतलब 1 degree अगर 1 rate से कर रहा है और x टाइम से कर रहा है तो 2 degree 3.8 टाइम्स ऑफ x से करेगा एंड 3 degree 5 टाइम्स ऑफ x से करेगा, ठीक है। सिमिलरली रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल ग्रुप टुवर्ड्स ब्रोमिनेशन
is 1 degree is 2, 2 degree is 2, 3 degree is equals to 1 is 2, 80 is 2, 1600. Like 1 degree is x times se kar raha hai, to 3 degree 1600 times of x se kar raha hai. ठीक है, इसके फायदे कैसे हम करेंगे? तो जैसे मान लो इस क्लोरीनेशन के लिए, टुवर्ड्स क्लोरीनेशन हमें निकालना है, टुवर्ड्स क्लोरीनेशन तो टोटल 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? 3, 3, 6, 3, 9. तो देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन टुवर्ड्स क्लोरीनेशन इज 9 × 1 = 9. सिमिलरली 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 0. देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहां पे? 0 × 3.8 = 0. 3 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास कितने? देखो 1. देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 1 × 5 = 5. सो टोटल रिएक्टिविटी कितना हो गया? टोटल रिएक्टिविटी 9 + 5 = 14. ओके, हमारे पास है 1 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री तो है नहीं. तो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो 9 कितने हो गए? 9/14 × 100. और इसका परसेंटेज 5/14 × 100. सो नाउ सी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स, 14, 7 = 98. सो 7 × 9 कितना हो जाएगा बोलो? अबाउट 63%. तो ये कितना हुआ? अबाउट 37%. ठीक है, सो ये 63% और ये 37% क्लोरीनेशन में तो हमें क्या दिख रहा है? ये वाली प्रोडक्ट मेजर होगी. क्यों? क्योंकि ऐसा ये अल्काइल पार्ट मोर एक्सपोज्ड है और मोर रिएक्टिव रीजन के साथ वो ज्यादा रिएक्शन करता जाए, तो ये वाली प्रोडक्ट प्राइमरी अल्काइल लेड इसमें मेजर होगी. अगर मैं ब्रोमिनेशन के केस में देखूं, ये क्लोरीनेशन के लिए निकालो, अगर मैं ब्रोमिनेशन के केस में देखूं तो यहां पे 9 प्राइमरी हाइड्रोजन इंटू 1 इज 9, सेकेंडरी तो नहीं है लेकिन 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है, तो 1 × 1600 अगर मैं इसको ब्रोमिनेशन के लिए यूज करूं, आपने आई होप की कॉपी कर लिया होगा, इसमें 1600 अगर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट 1600. सो दिस विल बिकम 1609. इफ इट इज 1609 फॉर दिस ब्रोमिनेशन, इन दिस केस 9/1609 × 100. राइट, नाउ इन दिस केस हाउ मच? 1600/1609 × 100. नाउ सी, 1600/1609 इज अप्रोक्सीमेटली 100%. सो नियरली 99% प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड थ्रू 3 डिग्री. सो देयरफॉर क्वांटिटेटिवली यूनिनॉर्मसली दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एज अ मेजर इन ब्रोमिनेशन. ऑलराइट, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्टिविटी ऑर्डर. सो द मोर सिलेक्टिव रिएजेंट विल फॉर्म दिस प्रोडक्ट एज मेजर, मोर रिएक्टिव रिएजेंट विल फॉर्म दिस प्रोडक्ट एज मेजर. We have subjected the conditions for monohalogenation only, so we are doing only monohalogenation product over here. Understood? Halogenation can also be carried out by the use of more selective halogenating agent like NBS,
more selective halogenating agent like NBS, which is N bromo succinamide. NBS, which is N bromo succinamide. NBS, that is N bromo succinamide. इस एन ब्रोमो सक्सिनामाइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से. सिमिलरली एनसीएस दैट इज एन क्लोरोसक्सिनामाइड. अगर हमें क्लोरीनेशन करानी है सेलेक्टिवली तो एनसीएस यूज कर सकते हैं. एन क्लोरोसक्सिनामाइड एसओ टू सीएल टू, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड. क्या बोलेंगे, सल्फ्यूराइल क्लोराइड एसओ टू सीएल टू, नॉट एसओ सीएल टू. एसओ सीएल टू इज थायोनाइल क्लोराइड. सो एसओ सीएल टू सल्फ्यूराइल क्लोराइड. एनसीएस एन क्लोरोसक्सिनामाइड. एनबीएस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड. ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सारे सेलेक्टिव रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं हैलोजिनेशन कराने के लिए. Still we are into the first method of preparation, that is halogenation of alkane for the formation of haloalkanes. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा. आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.